उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय खबरों के लिए, ताजा तरीन घटनाक्रम के लिए, देश विदेश से जुड़ी उन जानकारियों के लिए जो आपको जाननी चाहिए, और साथ ही हमारी खास स्पेशल स्टोरीज के लिए आप लगातार बने रहिए संवाद 365 के साथ। संवाद 365 के साथ बने रहने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब का बटन दबाएं और बेल आइकन जरूर दबाएं। और अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में रविवार का दिन बेहद खास रहा। बेंगलुरु की धरती उत्तराखंडी वाद्य यंत्रों, लोक गायकों और लोक धुन की गूंज से गुंजायमान हो गई। पहाड़ के युवाओं ने उत्तराखंडी लोक संस्कृति की विरासत को दक्षिण भारत के सांस्कृतिक पटल पर एक नई पहचान दिलाई। उत्तराखंड महासंघ बेंगलुरु के तत्वाधान में आयोजित मंडाण कार्यक्रम ने सभी को अपनी देवभूमि से जोड़ दिया। इस भव्य लोक सांस्कृतिक आयोजन का उद्घाटन माता मंगला एवं सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता समाज सेवी संजय शर्मा दरमोड़ा के द्वारा किया गया। तो वहीं मंडाण कार्यक्रम को लोक संगीत में रंगने का काम किया गढ़ रत्न नरेंद्र सिंह नेगी। आरजे काव्या, बहुत कम लोग होते हैं जिंदगी में जब कुछ ऐसी वैसी घटना हो जाती है तो वो सोचते हैं कि नहीं, फाइट किया जाए, आगे बढ़ा जाए। पवन पहाड़ी, लिखू ऐसा कि ब्रह्मचारी नाम सुने पवन पहाड़ी, भिखार गर्व हो भिखार गर्व। हेमा नेगी करासी, पूनम सती, बी के सामंत, पांडवास ग्रुप, रूहान भारद्वाज, करिश्मा शाह, सूरज त्राटक, अनिल बिस्ने, साथ ही इस कार्यक्रम में उत्तराखंड के राज्य मंत्री और हास्य कलाकार घनानंद भी मौजूद रहे। इन सभी की शानदार परफॉर्मेंस पर लोग जमकर झूमे। साथ ही इस मंडाण कार्यक्रम में नंदा देवी की टोली टीम दीप चंद्रा दिल्ली से आई थी। वही कार्यक्रम में उत्तराखंड महासंघ को इस आयोजन के लिए शुभकामनाएं देते हुए समाज सेवी माता मंगला ने कहा कि ये बहुत ही श्रेयकर है कि आज हम दक्षिण भारत की उस जमीन पर अपनी लोक संस्कृति के बारे में बात कर रहे हैं, जिस राज्य की संस्कृति हमारे सांस्कृतिक परिवेश से कहीं न कहीं और किसी न किसी रूप में मेल खाती है। माता मंगला ने कहा कि मैं उत्तराखंड महासंघ के सभी सदस्यों को इस बेहतरीन आयोजन के लिए बधाई देती हूं। आज हम सब लोग एकत्र हुए हैं, आज हमारे राज्य से बड़े प्रसिद्ध कलाकार यहाँ आए हैं, समस्त कलाकारों का अभी आपने जैसा देखा, मैं हंस फाउंडेशन की तरफ से आप सबको नमस्कार करती हूँ। और किसी कारणों के वश श्री भोले जी महाराज आज उपस्थित नहीं हो सके, वो विदेश गए हैं अमेरिका में, वहाँ भी हमारा एक कार्यक्रम है, तो एक उन्होंने निश्चय किया कि मैं वहाँ जाऊँगा। मेरा पहले ही जब संजय दरमोड़ा जी हमारे निवास स्थान आए थे तो उन्होंने कहा कि माँ जी उत्तराखंड का ये पहला कार्यक्रम है हमारे बेंगलोर में, तो मैंने उसी दिन उनको हाँ कह दी थी। और मैं देख रही हूँ जिस तरह उनका भी प्रेम अपने राज्य के प्रति, अपने वैसे तो हम सभी भारतवासी हैं लेकिन जब अपने अपने जन्मभूमि की बात आती है तो हमारा उत्तराखंड एक साधारण राज्य ही नहीं है, वहाँ पर हमारे देवों का वास, हमारी परंपराएं, हमारे जो एक एक राज्य का कोना भी होगा वहाँ भी किसी न किसी महान शक्ति का जन्म, अवतरण और कहीं ना कहीं उस प्रभु की, भगवती की, कुलदेवी की कृपा बनी हुई है, जिससे कि आज हमारे राज्य का निरंतर प्रगति हो रही है।
इस मौके पर नई पहल नई सोच के संस्थापक एवं सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता संजय शर्मा दरमोड़ा ने बेंगलुरु में आयोजित इस सांस्कृतिक कार्यक्रम के लिए उत्तराखंड महासंघ के पदाधिकारियों को बधाई देते हुए कहा कि ये बेहद ही सौभाग्यशाली बात है कि आज यहाँ पर समाज सेवी माता मंगला भी हैं और उत्तराखंड की संस्कृति भी दक्षिण भारत में जीवंत हो उठी है। बचपन से संघर्षों की गाथा को खुद पर साबित करते हुए माता मंगला जी आज असंख्य लोगों के लिए प्रेरक है, जिसका परिणाम है कि आज आपके कुशल मार्गदर्शन में द हंस फाउंडेशन जैसी संस्था दुनिया में सेवा के पटल पर सेवा का कार्य कर रही है। आपने इस मन्नान कार्यक्रम में आकर और हमारा एक निवेदन स्वीकार करके आप दक्षिण भारत में आई हैं, मैं इसके लिए आपका शुक्रगुजार हूँ। मैं प्रणाम कर दूँ उत्तराखंड संस्कृति का ध्वजवाहक गणरत्न श्री नरेंद्र सिंह नेगी जी थे और यहाँ अपर विशिष्ट अतिथि थे भाई कुलदीप भंडारी जी, घनानंद जी, राजेश मालगुड़ी जी और कर्नल रावत जी और तुम पत्नी थे। बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई दियो। मैं यज्ञ बैठा विशिष्ट जिथ्या अतिथि छे तू थे साधुवाद यकन आप यहाँ उत्तराखंड की संस्कृति थे बढ़ावा दीनी। बहुत बहुत धन्यवाद। जय उत्तराखंड, जय भारत। बाबू राजेंद्र प्रसाद इंटरनेशनल सेंटर बेंगलुरु में आयोजित इस भव्य सांस्कृतिक कार्यक्रम उत्तराखंडी मंडाण में प्रवासी उत्तराखंडियों को एक बार फिर से जरूर अपने गांव और अपने प्रदेश की यादें ताजा हो गई होंगी। इस कार्यक्रम के अंत में उत्तराखंड महासंघ ने सभी लोगों का धन्यवाद भी अदा किया। कार्यक्रम में उत्तराखंड महासंघ के संस्थापक अनोज जोशी, पंडित हेम जोशी, पवन रावत, प्रदीप सुंदरियाल, सोहन सिंह रावत, विजय उपरेती, संदीप सुंदरियाल, सचिन धस्माना, प्रियंका चंदोला, सुषमा कुकरेती, उमेश रावत, जगमोहन रावत, प्रवीण, राहुल चौहान, नितिन धस्माना, दीपक जोशी, ललित सांगवाल, सुबोध शर्मा, जितेंद्र राणा, अभिषेक पुरोहित, आशीष रावत, निशांत, दीपाली पंत, कीरत पंत, सुनील पोखरियाल आदि लोग मौजूद रहे। संवाद 365 के लिए ओमी उमेश भट्ट की खास रिपोर्ट।